सुबह का टाइम है, सर्दी भी बहुत ज्यादा है, और हम ओन मोहम्मद और मैं हुए हैं स्कूल के लिए तैयार। धुंध भी बहुत ज्यादा है, धुंध भी चार नीचे गिर रही है। बकरी को हमने तरपाल के नीचे दिया हुआ है, और ओन मोहम्मद और मैं स्कूल के लिए हो रहे हैं तैयार। ठीक है ओन मोहम्मद, मैं भी स्कूल के लिए तैयार हो गई हूँ। और ओन मोहम्मद कहाँ है गाड़ी, कहाँ पे? मेरी गाड़ी चलो आ जाओ, उससे खेलोगे? वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे। तो सुबह सुबह का है टाइम और ओन मोहम्मद भी स्कूल के लिए तैयार। अच्छा मैं बांध देता हूँ। और कक्षा भी इस वक्त स्कूल के लिए तैयार हो चुकी है, मैं अपनी वर्किंग के लिए तैयार होने लग रहा था। और इस वक्त धुंध का भी बहुत भयानक मंजर, बहुत ज़्यादा धुंध हुई पड़ी है इस वक्त बाहर। और मौसम आज भी जो है बहुत सर्द, दस्ताने वगैरह पहने हुए। अच्छा वाह जी वाह, आज तो है शूज पहन के जा रही हूँ। चलो ठीक है, हाँ मैं बांध देता हूँ बाबा, मैं बांध देता हूँ। तो अब ये दोनों जा रहे हैं स्कूल, ठीक है चलो जाओ। दोपहर को छुट्टी होगी 1 बजे, ठीक है, उस वक्त धूप निकल आएगी। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम और धुंध देख लें आप कितनी ज़्यादा। और खुद हम गए हैं जी कक्षा को छोड़ने के लिए, उन्होंने नाश्ता वगैरह अपना किया, नाश्ता करवा के उनको भेजा मैंने स्कूल। और आज माशाल्लाह से ओन मोहम्मद भी गया होगा, तो लाइट न होने की वजह से मेरा फ़ोन चार्जिंग था, जैसे लाइट आई तो मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया। और ना जाते हुए वो भी दिखाते कि आज ओन मोहम्मद का पहला दिन स्कूल में था, माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है। और कुछ कपड़े मैंने अंदर डाल दिए हुए थे ताकि सूखेंगे, मगर कुछ ये बाहर पड़े हुए थे और अभी ये भी सूखने वाले हैं। दुआ करें धूप निकल जाए, वरना रात की इतनी धुंध है ना, इतनी ज़्यादा, इतनी कि सर्दी में फिर से दोबारा फिर इजाफा हो, कि जो 2-3 दिन धूप निकली है ना उसका कोई असर नहीं था, तो दोबारा फिर सर्दी ने हमें घेर लिया हुआ है। चले कोई नहीं, वो कहते हैं ये भी अल्लाह की नेमत है, कभी गर्मी और कभी सर्दी आ रहे हैं। माशाल्लाह हमारी सुबह का आगाज हुआ हुआ है, वो तो बड़ी जल्दी हो गया हुआ था, लेकिन ये कपड़े अभी सूखने बाकी हैं। जैसे गैस आ जाता है ना, गैस के गैस तो भी है, अभी मैंने बनानी है कदम के लिए रोटी वगैरह के, नाश्ता उनका कि वह नाश्ता करेंगे और फिर जाएंगे। और मैं दिखाऊं कि यहाँ पर मैंने ना ये पेड़े मैंने कर लिए हुए हैं, ये वाले किए, क्योंकि कदम बकरी का चारा लेने गए हुए थे, अभी अभी आए। ये तवा है और तवा भी धो लेती हूँ। बर्तन मैंने सारे यहाँ पर जमा किए हैं, पहले ये धो लूं, उसके बाद जलसाना, फिर अपने बहन भाइयों से मिलते हैं इंशाल्लाह। और धुंध देख ले कितनी आ गए, ले बकरी का चादर वगैरह छोड़ा है कक्षा को भी स्कूल। ये चौकर लगी है ना? हाँ जी, चले पेड़े मैंने कर लिए, आपको जल्दी से पराठा बना दो। ठीक है ठीक है। बैठा हुआ इस टाइम अपनी नानो की गोद में, ये की नानो आई। हाँ जी क्या हुआ, क्या हुआ? चल छोटे आई छोटा, अब दोनों चले गए स्कूल है भाई, अब दोनों स्कूल चले गए हैं, आप ही भी भैया भी दोनों माशाल्लाह है, आप भी खुल जाया करोगे अब क्या? हाँ जी बोलो। हाँ जी हाँ जी, ए शहजादा ए छोना मोना पादा पादा, होर खाला कि तबीयत सर्दी ने की हाल किया होया? बैठे तो मौसम खुलेगा तो कदों बाद भी खुलन गए। धुंदा खत्म हो गया फिर सोनू करा बस बस सही है सही है सही है, है भाई लड़ाका निकल लड़ाका है जिस टाइम लड़ेगा चीखा मारेगा आया वा। पता गई मेरा लड़ाका लड़ाका। मैडम बना रही है इस वक्त यहाँ पर पराठे और उधर बन रही है चाय। जी जी पराठे बन जाए, इधर चाय बन जाएगी।
हाँ जी धुंध अभी तक बहुत है, उम्मीद नहीं है कि आज सूरज निकलेगा। अच्छा चलो कोई नहीं, देखते हैं अल्लाह बारिश है। निकलेगा निकलेगा तो अगर लेट ही निकलेगा। कोई नहीं, टूर तो मेरा नजदीक का ही है, दूर का नहीं है। मुजफ्फरपुर का? हाँ जी। फिर भी एक घंटा तो जाने का लगता है। ये तो है, एक घंटा आने के लिए घंटा जाने। चलो तुम बनाओ फिर पराठे। जी ये माशाल्लाह से मज़ेदार चौरस पराठा हमारा कर दिया है मैडम ने तैयार, और कहिए आप खाएं और हमारे घर से दफा हो जाएं। नहीं अल्लाह अल्लाह का शुक्र, मैंने ये नहीं कहा। अच्छा मैंने ये कहा कि जाए कैब से, जाए कैब से करो। अच्छा मैंने कहा शायद कह रही है कि जाए हमारे घर से दफा हो जाए। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। वो तो लिया खाला ने लिया बस। और इधर आई ये खाला, और खाला ने लिया हुआ इस गोलू मोलू को। हाँ भाई, हाँ सुनो बिल्ला बिल्ला पहला गुद्दा ये बिल्ला द ये बिल्ला बाबा और कैक्षा और मेरे घर की रौनक जी, दोनों कैक्षा भी और ऑन मोहम्मद भी। ऑन मोहम्मद भी आज गए हैं स्कूल। स्कूल गए हैं। ऑन मोहम्मद का भी यूनिफॉर्म आएगा ना। प्यारे बहन भाइयों अभी जो हमने बिस्तरे वगैरह नहीं उठाए जी, हाँ क्योंकि मुझे हो रही है लेट और बच्चे क्योंकि स्कूल जा चुके हैं। हाँ तो ये जरा मैंने इन्हें कहा है कि भाई बाद में कर लेना, जो कुछ करना है मुझे पहले नाश्ता बना दो। जी जी मैं बाद में कर लूंगी, बहन भाई को पता है बाद में कर ही नहीं होते सारा। हाँ वो करते तो हो, तो मैंने कहा अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, जी बिस्तर नहीं उठाए और ये नहीं करा वो नहीं करा, फिर वो इस किस्म की बातें भी होती है ना। फिर मैंने पहले बता दे, हाँ तो वो ऐसा है कि अभी मुझे हुई है लेट, तो मैंने इन्हें पहले कहा है मुझे पहले नाश्ता बना दें, फिर उसके बाद मैं अपने काम पर जाऊं। कप ले आए बस। मैं सर लेके आया अभी सर, मैं नौकरी नौकरी नहीं 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 नौकरी नहीं, बस यही काम करते। ओके हो गया, ये हमारी तैयार हो चुकी है पराठे बनकर, ये हमारी चाय और खाला को भी देते हैं, खाला भी नाश्ता करें हमारे साथ ही। ये जो हमारा ये मैं ले लेती हूँ, इधर खाला और ये और हम दोनों बैठे नाश्ता कर लें। और ये चनू नानो गोद में बैठे हुए, लड्डू नानो गोद में बैठे हुए हैं। सर जी आ जाए, हेलो आ जाए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। ठीक का है ये आलम, नहीं निकलेगी आज धूप, उम्मीद अल्लाह के कामों में कोई पता नहीं, तो जा रहे हैं जी काम पर, अल्लाह हाफिज। ठीक है तो कैक्षा को मैं कह देंगे कि उनको वो ना आ गई कैक्षा, नहीं कैक्षा कहाँ से आ गई अभी। हाँ जी चले ठीक हो गया। नसीम ने खिला दा वजेज, ये ना कपड़े क्या कहते से सिलाई किसके नसीम ये बाजी, मैं तेरे कली में जाती हूँ, उनकी बेटी के अभी आके। अच्छा नहीं माशाल्लाह कपड़े सिलाई अच्छे की हो इसने, मैंने भी कैक्षा के नहीं से सिलवाए ना, नसीम ने सिलवा के दिए मुझे भी। ये भी अच्छे सिलवाए, लैस भी अच्छी लगी इस पे। अच्छा माशाल्लाह कलर तो बड़ा प्यारा लगा मुझे ये वाला, बेशक बहन भाई कह रहे हैं कि पेंडू कलर है लेकिन नहीं, किसी किसी टाइम ना ये कलर तो बड़ा प्यारा लगता होता है। कलर भी बाकी प्यारा लग रहा है, इसके साथ क्या मिल भी नहीं रही है। अच्छा मिल भी नहीं रहा इसके साथ, शार्ट हुआ पड़ा है इसके साथ, कलर बहुत खराब है। अच्छा किसी भाई को ले, खाला से मैंने मंगवाया घी और आटा, मैंने कहा कि अच्छा स्कूल से आ जाएगी घी और आटा मुझे ला दे, फिर खाला ने ला के दिया। खा लो जी मेहरबानी खाला, 345 का आटा है। ऊ तोड़ी खैर अबे इतना महंगा, 45 रुपए देता उन्होंने आटा, 145। अच्छा अच्छा ठीक हो गया, मेहरबानी खाला तोड़ी। हमने अपने मटरू को पारा पारा बना दिया, हमने अपने सुबान फुजैल को पैदा पैदा बना दिया हुआ है ना भाई, इसके ये कपड़े चेंज करवाए मैंने अब, तो अब ये देख रहा है कि मेरी आपी कहाँ गई, मेरा भैया कहाँ गया, अब ये ढूंढ रहा है और चीखे मार रहा था।
क्योंकि दत्ता तो जहा कि अक्षा कितने दिन छुट्टियां रही है 20 दिन को भाई है ना ऐसे ही था। नानो भी चली गई, छप चले गए, पापा भी अपने काम पे चले गए, आप भी स्कूल से आ जाएगी, मैंने किसके कपड़े चेंज करवा दूं, हो सकता है तो धूप निकल आए, वैसे निकलना शुरू तो हुई है धूप। जी 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 मेरा शहजादा जी वाह माशाल्लाह आ गए जी स्कूल से, मामू ने दूध भेजा घर के लिए ना दो दो मुझे। अच्छा आप स्कूल गए थे? ये मेरा शहजादा मेरा प्यारा प्यारा बेटा, तंग तो नहीं किया? घर करके तो चीज लेंगे। अच्छा सुबह भी जाओगे ना स्कूल? अच्छा मैं देख लेती हूँ इसका बैग, अपने बैग में रख के गई थी बुक्स वगैरह। अच्छा मैं इसका बैग, वो छोटे वाला बैग था ना पीले वाला इसका, चलो देखते हैं। देख लिया अब अपनी आपकी गोद में छुपे वरना मुझे तंग किया हुआ इसने, और दोनों मोहम्मद यहाँ पे चीज खा रहे हो। चलो स्कूल में एक दो दिन तंग करेगा ना ये, है ना? कॉपीज भी आएंगी डोर्स वाली। अच्छा अब नहीं तंग करोगे ना? नहीं तंग करोगे ना? नहीं तो मम्मा बोल दिया जाने। क्या कह रहा? कह रहा मम्मा को कॉल करो। वहाँ कहता था क्यों मम्मा को कहा कहना था आपने? है मुझे लेके जाओ हाथ से भाई, मैं धूप भी आ गई है, धूप अल्लाह का शुक्र है। तो क्या धूप में आ जाओ बेटा, मैं आपको वो अंडा और वो गर्म करके देती हूँ, ठीक है ना? आ जाओ आप, ओनू आ जाओ, मैं आपको गर्म करके देती हूँ, पराठा मैंने बनाया हुआ है, सही है? बैठ जाओ आप इधर बैठ जाओ। हाँ इसमें इसको निकाल लो अब इसमें से, कितना प्यारा प्यारा मौसम हो गया, गर्मी नहीं लग रही, आप हाईनेक पहन के गई थी इसलिए। रोटी आटा मैंने गूंदा, और जैसे कैसे स्कूल से इन्होंने खाना वगैरह अपना खाया, तो दोपहर के लिए ना भाई के लिए खाना बनाना है जी। अच्छा एक मिनट में रोटी सेक लूँ फिर मैं आपको एक खोल के देती हूँ, आप बैठो, मेरा बच्चा है ना मेरा पारा पारा, दूध भी मैंने गर्म कर दिया आते हुए, इनके मामू ने ना कैसे क्या दूध दे दिया, आगे मामू, चलो अच्छी बात है, हम खाना खा लेंगे गर्म गर्म, सही है ना? हाँ जी। मैं बना रही भाई के लिए चटनी दोपहर के लिए, जाहिर रात मैंने बनाए थे अंडे, और अब फिर कुछ नहीं था, मैंने कहा चटनी बनाते हैं भाई, चटनी में गुजारा कर लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी ऐसा किया कि ये चीज हो वो चीज हो, तो अब चटनी बना कर से दे देंगे, और भाईजान से ना उसको लेके बैठे हुए, तो कैप्शा मेरी इस टाइम वीडियो बना रही है, तो क्या कहती कैप्शा मोहम्मद का बैग वो मेरे घर से अलमारी पे ना, वो शायद छोटा बैग था पीले वाला ना, चलो उस पर देखते हैं तो जी। बाकी इसका ले जाएगा यूनिफॉर्म और स्कूल शूज, वो इंशाल्लाह जल्द से जल्दी करेंगे, जैसे ही पापा के पैसे आते हैं ना फिर इसको स्कूल का यूनिफॉर्म भी लेके देंगे, और जल्दी इसको मैम से कहें इसका एडमिशन कर ले, जो वो बनते हैं क्या कहते हैं फीस वगैरह सब कुछ मुझे पर्ची बना के दीजिए, ठीक है? हाँ जी। अच्छी बात है, इसके स्कूल तो जाएगा ना ये, मेरी ये परेशानी तो खत्म होगी कि अच्छी बात है स्कूल अगर जाना बच्चा शुरू हो जाए 3.5 साल की उम्र में, तो इसमें घी भी निकालना पड़ेगा या फिर गर्म पानी करके फिर निकालना पड़ेगा, चल कोई हो जाता है, ये भी बड़े बड़े काम हो जाते हैं, फिर छोटा सा काम है बस, मुझे ना उलझन होती है इसमें से पैकेट में से ना घी निकालते हैं, बाकी हमसे ना वो बाद में कर लेंगे, ये रुमाल हमने है तो धोने वाला हमारा ही, इसी से ही साफ कर लेते हैं घी वाले, आप नमक डाल दूँ इसमें, और ये हमारा रुमाल एक सारे रुमाल धोए थे जी मेरा बेटा। अच्छा एक मिनट मैं खोल के देती हूँ आपको, चलो मम्मा ये खोलो, इसमें जाएगा अब हमारा नमक, ठीक है थोड़ी सी चटनी बन रही है, नमक भी थोड़ा ही डाल देंगे, नमक और हल्दी,
हल्की सी बस ना काली मिर्च ज्यादा नहीं। अभी यहाँ से टक्की भी लगाने वाली है। अब दो टमाटर की चटनी बन रही है ना, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी लग रही है। रोटी खिलाने लगे हो कि बकरी को? बकरी इधर है, ये यहाँ पर हमारी बकरी धूप में, और उन्हें इसको खिला रहे। आगे होके खिलाओ, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। हाँ खिला दो, खिला दो, खिला दो, खिला दो, आगे हो जाओ थोड़ा सा। वही भाई वो बड़े दे दो ना, उन्हें आगे नहीं होता ना, इसलिए इधर आ जाओ। शाबाश, इधर आ जाओ। ये सारा खिला दो, ये सारी खिला दो। वो फिर ना जोर लगा दिया रस्सी को ना, ये यहाँ पे धूप में लेटा अपने मामू के पास। नमक कम रह गया, चलो डाल लो नमक। थाली भाई और दे दे, रोटी और खाएगी बकरी, है ना? आई नहीं होती नहीं, अचानक से गैस तेज आया तो चाय गिर गई है। यहाँ से सारी सफाई अब की थी। कक्षा भी हंस रही है। क्यों हंस रही है? यहाँ की तो सफाई अब दोबारा होगी। क्या कराए में पानी, क्या करे बहन भाइयों? मैंने कहा ना धूप आई हुई है तो सारे कपड़े इधर कर दो, आसानी से ना सो जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता कि 4 दिन भी ये सूखेंगे। यहाँ पे डाल दो, 2 दिन में से निकल जाएगी। ये भी ना गीले हैं। ये भी गीले कपड़े सारे। यहाँ पे सॉस वगैरह सूख रहे हैं। देखते हैं बाद में क्या करते हैं, क्या नहीं। पर छोटे के कपड़े ये रखे हुए, इसमें क्या है? अच्छा बची होती है इसमें। जी जी ये सारी मशीन में रखती है। कैसे रोटियां ना वहां रख दो, वो वाली भी इसमें डाल लेंगे। क्या हुआ है? आपका फोन खा लो। मैं स्कूल का स्कार्फ, स्कूल का स्कार्फ भी दे दो, बैग भी दे दो। इसका जो हमसे स्कूल का पर है वो इसमें है, ठीक है? वो तो फिर काम काज के देखते हैं। ऐसे फिर रखा है छोटे का, ये उठा लो। दो लेती से ली, एक फिर तो चुवा ले गया, एक फिर तो चुवा ले गया। और अरे चाय भी वाली तैयार होगी, और डालते हैं कपों में और पीते हैं जी चाय। ये मुसवाक बड़ी तेज होती है, लेकिन ये कि आदतों में से पहुंच जाता है, फिर वक्त बंदा खाने पीने से भी रह जाता है। ज्यादा तेज होती है, इसको पानी में भी बोल कर फिर देते, लेकिन मैंने एक बार की थी जिंदगी में, उसके बाद नहीं की। अभी फर्श अंदर का गीला है यहाँ का, से मैंने बताया कि अभी टाकी लगानी है यहाँ से, और मैं नंगे पाऊँ इधर रख रही हूँ।
अगर यहाँ जूती लेकर आती तो यहाँ पे सारा पानी पानी आ जाता। जी अनु रोटी तो खा लो, मामू कह रहे हैं खाना खा लो ना पहले आप। तेरी बस हो गई, आपकी बस हो गई अब कप चाय लेनी है अनु। अच्छा मैं आपको भी देती हूँ, इधर बैठो। बैठो बैठो, ये लो सही हो गया। ने यहाँ पर सुलाया और मोहम्मद ओन मोहम्मद आजो 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 मेरे बेटा इधर आ जाओ। क्या लेके आए हो दिखाओ मुझे। यहाँ पे लेके बैठे हुए थे ना छोटे को, तो ये नीचे रख ली हुई थी। जी मेरा बेटा लाइट ले आए हो। वाह जी वाह शाबाश, कुंडी लगाओ चलो। आंटी हम बताई थी, हाँ जी चली गई, दो चली गई। हाँ जी आपके सपारे का टाइम हो जाएगा, फिर आपको भी सपारे का टाइम हो जाएगा। हाँ जी आपने सपारा भी जाया करना है, स्कूल भी जाया करना है, मेरा प्यारा प्यारा बेटा सही है ना। क्या हुआ क्या कह रहे हैं? हाँ जी कारी साहब आपको डांटेंगे, मैंने तो बकरी ना दोबारा वहीं पे बांध दी हमने, वो इसलिए कि यहाँ पे जो ना अब धूप चली गई थी।